नरसिंहगढ़ मेहताब सिंह सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके ही बेटे को टिटनेस का इंजेक्शन लगना था, पर 8 महीने से हॉस्पिटल में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं था। बीएलओ गौरव त्रिपाठी से पूछने पर उन्होंने कहा, पूरे राजगढ़ जिले में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है, यह कब तक चलेगा? एक टिटनेस का इंजेक्शन हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वर्षों से यहाँ पर टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा, टिटनेस के इंजेक्शन का शीघ्र व्यवस्था करवाएंगे, क्योंकि नरसिंहगढ़ हॉस्पिटल में मरीज टिटनेस के इंजेक्शन के लिए परेशान हो चुके हैं। महाराजा सिविल मेहताब हॉस्पिटल नरसिंहगढ़, आज हम हमारे अधिकारी बीएलओ गौरव त्रिपाठी साहब के पास आए हैं। बीएलओ साहब, ये अपने जो टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है, बहुत से मरीज परेशान हो रहा है, पेशेंट परेशान हो रहा है, मेडिकल से लेके आ रहा है, 15 रुपये का एक टिटनेस का इंजेक्शन मिल रहा है, पूरे राजगढ़ जिले में नहीं है कह रहे हैं, आप थोड़ा जानकारी दीजिए। वर्तमान में जो शासकीय सप्लाई में जो टिटनेस का इंजेक्शन अवेलेबल है, परंतु उसके साथ डिप्थीरिया भी मिक्स है, टीडी नाम से वो इंजेक्शन हमारे पास सप्लाई में है। जो प्लेन टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन होता था, वो काफ़ी समय से हमारे पास सप्लाई में उपलब्ध नहीं, जिसकी सूचना हमारे द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को दे दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नरसिंहगढ़ क्षेत्रीय विधायक महाराजा राजवर्धन सिंह जी साहब ने भी ये निवेदन कराया कि ये कब तक आएगा? देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है, वरिष्ठ स्तर का कार्य है, मैं जानकारी लेकर ही बता पाऊंगा। माने आपने ऊपर कार्रवाई तो करवाई ना? हाँ, माने ऊपर डिमांड भेज दी गई। नरसिंहगढ़ से कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह पवार की न्यूज़।